किसान आंदोलन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और पीएससी आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से अलग सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। यहां पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत को खुलकर समर्थन दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आपकी मांगे वाजिब है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, राकेश जी हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, आपकी मांगे वाजिब हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करना, किसानों को देशद्रोही कहना और इतने दिनों से शांति से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं पर झूठे केस करना सरासर गलत है। अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दोपहर को गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर किसानों के लिए पानी आदि की सुविधाएं के इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का पहले ही समर्थन कर चुकी है और हर संभव किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के लिए है, आज हमारे देश के लोग हैं, इनको पानी नहीं देंगे हम? वो हमें रोटी देता है, उनको पानी नहीं देंगे? एक एक करके कर लोगे? आगे भर भाजी सात इधर है, तीन चार उधर है, तो हटाना नहीं है इनको ऐसे? वैसे भी दिल्ली में, दिल्ली में है, फिर जरूरत है यार लोगों की। अभी थोड़ा सा आगे चले गए, इसकी सफाई भी करवा देते ना किसी से, दूसरे वालों से किसी करवा दे, है ना? मनु मनु यहाँ से ये भी हटवा दो, हाँ किसी को सफाई वाले को कह के साफ सुथरा रहे, झाड़ू वाड़ू लगवा दो, इधर से भी इधर से भी झाड़ू वाड़ू सब क्लियर करा के रखो। पुलिस वालों खड़ी है, हमारे टैंकर को बनाने जाने नहीं दिया ना उस तरफ से ना इस तरफ। तो ऐसे तो अंदर से जाने दे रहे होंगे, पैदल जाने दे रहे होंगे। एक आध टैंकर जो है ना यहाँ लाके खड़ा कर दो, इधर मीडिया की गाड़ी तो भी हट जाएंगी, ठीक है ना? हाँ बलवा, क्योंकि दूर है वो, एक टैंकर यहाँ लगवा दो, इधर भी लगवा दो, इधर लगवा सकते हैं आराम से। लास्ट वाला जो है टैंकर, एक जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसको यहाँ लगवा दो, ताकि लोगों को जरूरत पड़े, पुलिस वाले भी पानी पिए, लोग किसान भी पानी पिए, सब पानी पिए, पानी की सब जरूरत सबको है।